कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया, गिरफ्तारी की तलवार लटकी। संसद की स्थायी समितियों का गठन हुआ, 24 में से 13 समितियों की अध्यक्षता बीजेपी और 4 समितियों की अध्यक्षता कांग्रेस को मिली। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा कमेटी ऑन होम अफेयर्स के अध्यक्ष बने। हिंदी दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक देश एक भाषा की वकालत की, डीएमके अध्यक्ष ने कहा, हम इसका विरोध करेंगे। गिरती अर्थव्यवस्था पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, अर्थव्यवस्था पर हो सकते हैं कई बड़े ऐलान। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी को बड़ा झटका, एनसीपी सांसद उदयन राजे भोसले लोकसभा से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए। यूपी के जालौन में महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ी गई, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। दिल्ली की हवा बेहतर बनाने के लिए 4 नवंबर से ऑड इवन फार्मूला लागू होगा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, अब इसकी जरूरत नहीं। और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 के लिए धर्मशाला पहुंची टीम इंडिया।